कांग्रेस की 11वीं लिस्ट, 4 राज्यों के 17 उम्मीदवार, अब तक 231 कैंडिडेट्स उतारे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में 114, ओडिशा में 49 प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने मंगलवार 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं लिस्ट जारी की। इसमें 4 राज्यों के 17 कैंडिडेट के नाम हैं। अब तक 231 प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की कड़पा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने YS शर्मिला रेड्डी को टिकट दिया है। इसके साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश की लिस्ट में 114 प्रत्याशियों के नाम हैं और ओडिशा की लिस्ट में 49 उम्मीदवारों को शामिल किया है। बिहार के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट की बात करें तो कांग्रेस की बिहार के लिए पहली लिस्ट में 2 मुस्लिम नेताओं को टिकट मिला है। मोहम्मद जावेद किशनगंज से मौजूदा सांसद हैं, अजीत शर्मा विधायक हैं, वहीं तारिक अनवर पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा भी है। जानकारी के मुताबिक भागलपुर सीट को लेकर दिल्ली बैठक में काफी मंथन हुआ। कई नेता अजीत शर्मा के पक्ष में थे, लेकिन एक नेता अड़े रहे कि भागलपुर ओबीसी की सीट है और यहां से ओबीसी को ही लड़ाया जाए। काफी मंथन के बाद शर्मा के नाम पर मुहर लगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने सीएम की बहन को उतारा। आंध्र प्रदेश में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। राज्य में जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भाजपा के साथ तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी का गठबंधन है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला रेड्डी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने शर्मिला को कड़पा से टिकट दिया है। कड़पा YSRCP का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनावों में जिले की 6 में से 5 सीट पर YSRCP ने रेड्डी कैंडिडेट की उतारे हैं। YSRCP ने कड़पा से YS अविनाश रेड्डी को टिकट दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में अविनाश कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। कल कांग्रेस की 10वीं लिस्ट आई थी, 2 नामों का ऐलान हुआ। 1 अप्रैल को जारी कांग्रेस की 10वीं लिस्ट में तेलंगाना और महाराष्ट्र की एक एक लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। इसमें अभय काशीनाथ पाटिल को महाराष्ट्र के अकोला और कादियाम काव्या को वारंगल से पार्टी ने मैदान में उतारा है। 29 मार्च को 5 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे। 29 मार्च को कांग्रेस ने 5 कैंडिडेट घोषित किए थे। राजस्थान के 2 कैंडिडेट के नाम बदले गए और कर्नाटक से 3 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।